Hey guys, welcome back to Via Family Vlog. So guys, please like, share and subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. आज है 31 डेट और टाइम हो रहा है 8:30. यस, और हमारा हो गया है डिनर, मैंने भी कर लिया है. और सो गाइज, यहाँ पे यू पी रहा है पानी और खा रहा है फ्रेंच फ्राइज. यू को बहुत पसंद है ना यू, बहुत यम. यू मैं ब्यूटिफुल बेबी, कौन बोलेगा इसको ये लड़का है. हाँ, इधर देखो बिट्टू, बिट्टू कौन बोलेगा इतना ब्यूटिफुल लड़का. सो गाइज, आज मुझे जाना है मेहंदी लगवाने. जैसे कि आप लोगों को पता है, कल है 1 तारीख और करवा चौथ. सो आज ही मुझे मेहंदी लगवानी है, क्योंकि दिन भर से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया. सो अभी मैं जाऊंगी रात को, शॉप मंगल होगी 9 बजे. सो गाइज, हम आ गए थे शॉप पे, खाना लेकर के आ गई थी मैं. सो गाइज, बज गए हैं 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो गया है रात के. अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी मेहंदी लगवाने. और बिस्किट खाना है. ओफो, क्यों मेरा कौन सा साल हो गया करवा चौथ, कितने साल हो गए, मतलब क्या पैदा होते से ही मैं करवा चौथ मनाने लग गई थी क्या, कुछ भी मतलब. तो 10 साल बाद ही मैं करवा चौथ का व्रत रखने लग गई थी. कुछ भी अच्छा, जबरदस्त. मेरा हो गया है ये शादी के बाद 3रा या 4था, और शादी के पहले वही वाला था. नहीं, मेरे 2015 से लेकर के 2023 तक कितने साल हुए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8-9 साल से मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ. गाइस गाइस, हमको क्या पता कि तुमने शादी के पहले करवा चौथ का व्रत क्या करा, खा पी के रखा. हमको बोल रहे मैं भूखी हूँ, तुम आते थे खुलवाने के लिए. हाँ, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो. गाइस, ये आते थे मेरा व्रत खुलवाने. अरे व्रत खुलवाने घर से चोरी चुपके. तो तुम तो पेट भरा रहता था तुम्हारा शायद, जब तुम खाती नहीं थी ज्यादा. सुबह से कोई इंसान भूखा रहता तो एकदम से नहीं, बहुत सारी चीजें खवाती हैं. अभी आजकल तो 48-52 पकवान भी बना दो ना तो कम पड़ जाते तुमको करवा चौथ के दिन. अब थोड़ा सा डाइट बढ़ गई है, पहले डाइट कॉन्शियस थी मैं, मेरा वेट ही 47 का था, अब मेरा वेट कितना हो गया है 56 का. गाइस, मैंने वैसे भी अपना 66 से 56 करा है, 10 kg वेट लॉस किया है मैंने प्रेगनेंसी के बाद. तो मैंने ऐसे ही कर लिया. तुम्हारा तो हमेशा से ऐसे ही, इतना का इतना ही है, कोई ना बढ़ता है ना घटता है. 1-2 किलो बढ़ जाता है तो वापस घट जाता है 10-15 दिन में. मैंने जब बेबी किया तब भी नहीं बढ़ा मेरा. बढ़ भी नहीं सकता तुम्हारा, कभी भी लगता है. खिलाती हूँ पिलाती हूँ सब, कोई बोले कि खाना नहीं खिलाते, इतना खिलाती हूँ मैं फिर भी इनका वेट. बताओ ना, दिला रहे हो क्या? क्या माइक एक आता है जो कि यहाँ पर आप लगा लो ना तो बाकी की नॉइज नहीं आती है. हाँ, वो अच्छा होता है, काफी अच्छा. मतलब मेरी नॉइज नहीं आएगी, तुम्हारी आएगी बस. नहीं नहीं नहीं, ये बैकग्राउंड के जो पीकाबू पीकाबू ये जो आ रहा है ना बार बार यू के कार्टून का, गिर गया बेटा, उठा लो ना थोड़ा सा झुक करके. झुक कर वो झुकेगा ना पम्मा जाएगा. अरे बिट 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 मैं देता हूँ. हाँ पापा दे देंगे. गाइस, दिन भर झुक झुक के कमर टूट जाती है मेरी, कितना झुकेगा आदमी यार. अरे पुष्पा की औलाद साला झुकेगा नहीं. कितना झुकेगा साला, ऐसा कितना झुकेगा साला, दिन भर कमर टूट जाती है. गाइस, हमारे घर में काम वाली नहीं है ना. है ना कार. गाइस, हम काम वाली नहीं रखते, हम खुद खाना बनाते हैं, तो बर्तन झाड़ू पोछा सब मेरे पास तो है काम वाली. क्या लुक्स नहीं देना मेरे को, काम वाली दिखती हूँ मैं. है? धर्म पत्नी को काम वाली नहीं बोला जाता है, धर्म पत्नी बोला जाता है. वो तो बेनिफिट्स हैं कि पत्नी के साथ काम वाली भी आई है. ऑलराउंडर है तू, ऑलराउंडर ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन तेंदुलकर. हाँ तो पूछो कब आई. लिंक विंक भेजी थी ना मुझे. हाँ तो वो तो मैंने कब भेजी थी यार, अभी थोड़ी ना 1 महीने हो गए उसको.
तुम्हें एक काम बोलो ना, वो भी गाइस ढंग से नहीं करते हैं ये। अरे काम रहने दो, दिया था मैंने, पता ही नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे दिलाने ले चलो। अमेज़न खोल रहा हूँ तो अपना जो सेलिंग का है वो आ रहा है, परचेज का ही नहीं रहा, उससे मतलब नहीं। सो गाइस मैं ये बता रही थी, दिन रात मैं काम करती हूँ, रात को 11 बजे फ्री होती हूँ मैं, सुबह से उठ करके जो काम करती हूँ रात को 11 बजे फ्री। अरे बाबा, इतना काम तो कोई भी नहीं करता, इतना काम कोई नहीं करते, बच्चे संभालना कोई काम नहीं होता, 10 काम होते हैं। दिन में क्या करती है, क्या करती हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, ठीक है, उसके बाद सोचना लंच में क्या बनेगा, ठीक है, झाड़ू बर्तन पोछा, ठीक है, युवा को नहलाना धुलाना तैयार करना, सुलाना, सुलाने में भी गाइस आधा घंटा लगता है उसको ठोक पीट के सुलाने में। मेरा भी बता दे कि मेरे को भी नहलाना धुलाना सुलाना सब तू ही करती है, बता दे। उसको सुलाना, उसके बाद गाइस सिर्फ मात्र 2 घंटे मिलते हैं, उसके बाद फिर 6 बजे खाना। 2 घंटे तो मिलते हैं, वो तो नहीं बताया था अभी बीच में, क्या बोला था, सुबह से 11 रात को 11 बजे 2 घंटे रेस्ट के मिलते हैं, उसमें मैं रेस्ट नहीं करती हूँ गाइस, अपनी एडिटिंग करती हूँ, 2 घंटे तो निकलवा दिए कि नहीं मैंने, और रील के वीडियोस बनाती हूं, निकलवाए ना 2 घंटे, वो रेस्टिंग टाइम नहीं है, अरे अभी मेरा मन वर्किंग टाइम है, मैं फोकट होता ना 6-8 घंटे निकलवा। और गाइस इसके बाद इनके इनके बिजनेस के काम, इनके बिजनेस पे माइंड लगाना, वो गाइस बिजनेस के आइडियाज देना, बिजनेस को ग्रो करना, ये सब चीजें मैं इनको बताती हूँ, इसमें भी मेरा दिमाग लगता है। अब बताओ 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 क्या है, झूठ बोल दो, बोल दो झूठ है ये सब, है नहीं, वो तो मैं बिजनेस के सारे आइडियाज इससे ही लेता हूँ। हाँ देखा, इसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है गाइस, दिमाग भी थक जाता है। अरे दिखती भोंदू है, पूरे इसमें दिमाग है, बिजनेस का दिमाग है, पूरी बॉडी तो थकी जाती है, प्लस इनके काम के लिए मेरे को दिमाग यूज करना पड़ता है, वो भी थक जाता है मेरा, थकेला ही है पूरा तेरा दिमाग तो ऑलरेडी थक जाता है। देखा देखा कि नहीं, देखा कि नहीं, देखा मेरा पति को, देखा कैसे कैसे और बोलता है, और ये मेरे काम में 1% भी हेल्प नहीं करते हैं। अबे बाबा झूठ मत बोलना, उस दिन मैं बेड किसने जमाया था, उस दिन साल में कभी एक बार एक आध बार जब निकलवा दिया ना मैंने युवू की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं युवू को संभाल रही थी, निकलवा दिया, एक मिनट चुप। तो गाइस युवू की तबीयत खराब थी तो वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, उस दिन इन्होंने उठ करके एहसान करा कि अपना ब्लैंकेट घड़ी करके रख दिया, देखा ये किया था इन्होंने। अभी एक निकलवाया, टाइम है तो मेरे पास और 8-10 निकलवा, रहने तो है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ भी, अरे तुम्हारी घड़ी कहाँ रह गई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो गाइस कल मैं आगे का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि यू मेरे बिना नहीं रह रहा था और मेहंदी लगाना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था, सो गाइस उसको लेकर के मेहंदी लगा ही नहीं पा रही थी मैं, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं आज करवा चौथ वाले दिन मेहंदी लगाऊंगी। सो गाइस बस मैं अभी निकलने वाली हूँ घर से और देखती हूँ आज यू लगवाने देता है कि नहीं। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, युवा को देख लो कैसा घूर रहा है, देख लो ऐसा घूर रहा है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, यहाँ पर गणेश कैप है, यहाँ पर बनती है मेहंदी और युवा के पापा संभालेंगे युवा को, ओके बाय बाय बाय। ऑनलाइन सो गाइस अभी वेटिंग पे हैं 5 लोगों के बाद, तो यहाँ पर सब लोग मेहंदी बनवा रहे हैं, इनमें से जो भी फ्री होगा वो मेरा हाथ बनाएगा, फिर आप देख सकते हो। यू मामा की मेहंदी बनवाने आया है, यू यू की भी बनवा देंगे, यू बनानी मेहंदी लगवानी, यहाँ तक बनवा देते हैं, यहाँ तक मेहंदी लगवानी है आपको, यहाँ तक बनवा, हाँ आपकी दुल्हनिया के नाम की मेहंदी जो दुल्हनिया अभी तक मिली भी नहीं है। सो गाइज मैं हो गई थी रेडी, मैं मेहंदी बनवा करके आ गई थी, युवा को बहुत तेज नींद आ रही थी तो गाइज उसको आकर के सुलाना था तो उसको सुलाया था, उसके बाद मैंने खाना बनाया घर का सारा, उसके बाद मैं तैयार हुई तो टाइम हो गया है 8:19, सो चाँद निकलने वाला ही होगा गाइज 10-15 मिनट में,
पीहू के पापा को मैंने कॉल कर दिया है, बस आते ही होंगे। भूख तो दिन भर से मैं रह नहीं पाती हूँ भूखे, पर आज बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, ट्रस्ट मी गाइस। गाइस जब से मैंने साड़ी पहनी है ना, यू को जब से इतना अच्छा लग रहा है कि वो मेरी साड़ी में घुस घुस करके खेल रहा है। ये वो दिखाओ, इधर फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। आ माय पिंचेस, अरे मेरा प्यारा सा बच्चा। आ उसको बहुत प्यार आ रहा है मम्मा पे, जब से प्यार आ रहा है मेरी बेटी को। सो गाइज लगता है मैंने आज कुछ ज़्यादा ही डार्क लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि मैं हमेशा लगाती नहीं हूँ ना, तो आज मेरे फेस पे कुछ ज़्यादा ही ऐसा रेड रेड दिख रहा है। सो गाइज पर ये रेड नहीं है, ये डार्क पिंक है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। मुझे इतना नहीं अच्छा लग रहा है, पर क्या करूँ, साड़ी का मैचिंग लगाया मैंने आज, कभी कभार तो चलता है गाइज। सो गाइज युवा के पापा आ गए हैं, युवा के पापा, और मुझे बोल रहे हैं कि आज कुछ ज्यादा ही तैयार हो रही हूँ। कुछ ज्यादा ही तैयार हो रही हूँ तुम्हारे। सो गाइज आज के दिन तो तैयार होना बनता है ना, बनता है ना, बनता है। तो फिर तारीफ करने की वजह देखो, देखो बोल रहे हैं चांद नहीं आया ना अभी तक, चांद आने के बाद तारीफ होती है। तुम्हारा चांद इधर बैठा है, सबका चांद उधर से निकलेगा। तारीफ मत करवाओ, तारीफ कर, अभी टाइम निकाल के करते थोड़ी देर। झूठे, जाओ जाकर फ्रेश होके। फ्रेश। कथा पढ़ी जा रही है। करवा चौथ तो मन गया, उसके बाद खाना भी हमने घर पे खा लिया था, पर चटर पटर खाने का मन कर रहा था तो हम लोग बाहर आए हैं। सो अभी जस्ट दूध मैं पी रही हूँ जी, और मैं हम लोग पी रहे दूध, पानी पूरी खा चुके हैं हम लोग। पहले घर से खाना खाया, फिर पानी पूरी खाई, अभी दूध पी रहे हैं, फिर इमरती खाएंगे, और अभी इमरती भी पैक हो रही है, वो भी खाएंगे। तो गाइस सोच सकते हो आप, सुबह से अभी तक मैं भूखी थी तो कितना कुछ खा सकती हूँ, फायदा तो हो ही रहा है ना। हाँ, और जो दिन भर का नुकसान वो नहीं, वो चलता है। अगर अच्छा, ऐसा फायदा होना तो वो चलता है। देखा, ये बात मैं तुम्हारी शादी के बाद पूछूंगी, ठीक है? अच्छा दूध है गाइस। सो गाइस यू यहाँ पे खा रहा है इमारती, खिलाओ। ये यू कैसी लगी? यमी यमी यमी, और चाहिए, और चाहिए बिट्टू? यू अरे नहीं, उठा ले, निकाल लिया पूरा, उठा लिया उसने फट से। बेटा ना, तो ताता हो गई उसको गर्म में बहुत। बिट्टू ऐसा नहीं करते, खिला दो उसको थोड़ा सा। ये यू खाई खाई कर रही है इमरती, खाई खाई।